राम राम भाई, सारा भाई है ना, मैं आपका भाई कुणाल यादव। आज अपने सामने खड़ी हुई है भाई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स टॉप एंड वेरिएंट। तो देखते हैं भाई कंपनी ने इसमें क्या कुछ फीचर्स प्रोवाइड करे हैं। शुरुआत करते हैं फ्रंट लुक से। तो ये देखो भाई, बीच में सुजुकी का लोगो बड़ा सारा यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ग्लोसी ब्लैक कलर में ग्रिल्स जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये देखो फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं है, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आगे से ओके है। हेडलाइट्स की बात करते हैं तो भाई 3 LED सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है, और ऊपर की तरफ इंटीग्रेटेड DRL के साथ इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट से कुल मिला के काफ़ी अच्छी लगती है। साइड प्रोफाइल पे आते हैं भाई, सबसे पहले तो इसका टायर साइज देख लेते हैं। तो टायर साइज भाई गुडियर के इसमें टायर आपको देखने को मिलते हैं, जिनका साइज 195/60R16। गाड़ी के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी अच्छा साइज है, और अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। ORVMs की अगर बात करते हैं तो जैसे हमने आगे देखा था 360 डिग्री कैमरा इसमें प्रोवाइड हुआ है, तो इसमें भी जो है नीचे की तरफ भाई कैमरा प्रोवाइड किया है। गार्निश क्रोम पीछे तक मिलती है, रिक्वेस्ट सेंसर बटन ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों साइड देखने को मिलता है भाई। तो कुल मिलाकर भाई गाड़ी की जो चीज़ पसंद आई है ना, इसकी शेप, जो पीछे से इसकी शेप निकल के आती है, कूपे टाइप इसकी शेप है, जो बूट इसकी जैसे शेप बना रखी है, तो बहुत ही अच्छी लगेगी भाई, आप रियल लाइफ में चेक करना। बाकी ऊपर की तरफ भाई रूफ रेल, शार्क फैन एंटीना हो गया, और आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, तो पीछे से भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। वाइपर, डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड किया है। नेक्सा की बैजिंग और नीचे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, कनेक्टिंग टेल लैंप पीछे की तरफ देखने को मिलता है। इनका लुक भी भाई रियल लाइफ में काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। बाकी नीचे भाई यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं की गई है। चारों पार्किंग सेंसर क्योंकि भाई कंपनी ने इसमें प्रोवाइड किए हैं। ये देखो भाई लाइट्स, तो कुल मिलाकर भाई डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छी निकाली है। यहाँ पे अपना फ्यूल टैंक की लीड होगी भाई। फिर से ये देखो भाई पैसेंजर साइड मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे भी जो है रिक्वेस्ट सेंसर बटन देखने को मिलता है। फ्रंट की अगर बात करते हैं तो भाई ये नॉर्मल आपको यहाँ पे वाइपर मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पे आपको कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर से शुरुआत करते हैं भाई क्या कुछ फीचर है। तो भाई शुरुआत करते हैं गाड़ी के डोर पैनल से। डोर पैनल देखो भाई यहाँ पे सिल्वर फिनिश में ये दिया गया है, जो कि हमेशा से ही चला रहा है मारुति का। नीचे की तरफ पैनल देख लो, ग्लोसी ब्लैक फिनिश में ये चीज़ दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। लेदर फिनिश यहाँ पे दे दी गई है भाई टॉप एंड वेरिएंट में ये चीज़। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, स्पीकर मिल जाते हैं भाई, ट्विटर मिल जाता है ऊपर की तरफ। तो 4 स्पीकर 2 ट्विटर गाड़ी में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है, फैब्रिक में जो है सीट कवर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई कोई लेदर नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, तो आपको इसमें हेड्स अप डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा भाई, और इसकी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे जैसे भी अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल, व्यू का ऑप्शन मिलता है क्योंकि इसमें जो है 360 डिग्री कैमरा मिलता है। ऑटो ऑफ का बटन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भाई यहाँ पे मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं तो भाई काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है ये, क्योंकि यहाँ पे अब जो है ग्लोसी ब्लैक कलर में देख रहे हो कितनी अच्छी फिनिश दे दी गई है। देखो भाई तो ये बहुत ही बेहतरीन लग रही है। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे अपने मीडिया के कंट्रोल मिलते हैं, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको बटन मिल जाते हैं। मीटर की बात करते हैं तो ये देखो भाई बेस वेरिएंट में और इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस बीच की जो डिस्प्ले है इसका फर्क आ जाता है। और एक चीज़ टॉप एंड वेरियंट है भाई, प्राइस मैंने आपको बताया था 13,43,000 की जो है आपको ऑन रोड पड़ती है, उसके बावजूद इन्होंने ये चीज़ें अब तक हटाई नहीं है भाई। ये देख लो फील की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। डैशबोर्ड क्वालिटी की बात करते हैं, प्लास्टिक क्वालिटी भी इम्प्रूव की है पहले से अगर बात करते हैं तो, क्योंकि पहले जो है ये बहुत ही हड़का होता था, अब थोड़ा सा हार्ड इन्होंने कर दिया है। बीच में मिल जाती है भाई आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट का सिस्टम, नीचे की तरफ AC वेंट्स, जो कि ये देखो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी बनाई गई है, जो इनका फील है, फिट एंड फिनिश सारी चीज़ बढ़िया लग रही है भाई। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वही आपको जो है AC का यहाँ पर मिलता है। ये देखो भाई ऑटोमेटिक, जो कि बेस वेरियंट से ही ये दे रहे हैं। की बात करते हैं तो की देखो भाई लॉक अनलॉक, ये भी आपने पहले देखी होगी, सेम कोई भी मेजर यहाँ पे चेंज नहीं है, क्योंकि पार्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। USB का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए तो ये देखो भाई USB का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, 2 कप होल्डर। टर्बो वेरियंट है भाई, इसमें आपको 98 BHP और 147 के आसपास जो है ये टॉर्क जनरेट करता है। और गियर देखो भाई, इसमें जो है 5 स्पीड गियर बॉक्स ही देखने को मिलता है, ये अगर 6 स्पीड हो जाता तो काफ़ी मज़ा आ जाता भाई। ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक आपको IRVM देखने को मिलेगा, यहाँ पे हो जाती है भाई लाइट्स। इस साइड देखते हैं तो भाई मिरर लाइट के साथ यहाँ पे अवेलेबल है, इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है भाई मिरर लाइट के साथ अवेलेबल कराया गया है। सीट कम्फर्ट की बात करते हैं तो कम्फर्ट में कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक ठाक कम्फर्ट मिल जाता है। थोड़ा सा ओवर अंडर थाई सपोर्ट इंक्रीज हो सकता था, ये देखो मेरी 6 फीट की हाइट है ना भाई,
जिसकी कम हाइट होगी उसके लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ये। ये हो गया भाई इसका ग्लव बॉक्स, ऊपर की तरफ इसमें लाइट दी गई है अड़की सी, ये देखो भाई। बाकी कूल्ड ग्लव बॉक्स ये नहीं है। हैंडरेस्ट की बात करते हैं तो ये हैंडरेस्ट हो गया, थोड़ा सा इसमें स्पेस मिलता है। बाकी भाई अब दिखा देता हूँ मैं आपको इसका मीटर, ये देखो भाई 220 की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप भाई ये बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, तो वहीं से करनी पड़ेगी। ये देखो भाई यहाँ फिर टॉप मॉडल वाली फील नहीं आती। ये ट्रिप का हो गया भाई, अब ये ऑन करके ही करनी पड़ेगी भाई ये सारी चीजें। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। ये देखो भाई फ्यूल लेवल इज लो ऐसे करके बोलने लग जाती है, तो ये चीजें इन्होंने ऐड कर दिया। इसको करते हैं पॉज, अब एक बार व्यू का बटन दबा के देखते हैं भाई। एक बार मैं वाइड एंगल कर देता हूँ, ये देखो भाई ये व्यू आ रहा है चारों तरफ का। ये है इसका 360 डिग्री कैमरा, तो क्वालिटी तो भाई ठीक ठाक लग रही है। ये देखो भाई जैसे पास आते जा रहे हैं, पीछे गए ये साइड में, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी भाई स्टार्ट नहीं कर सकते शोरूम में गाड़ी को, नहीं तो मैं स्टार्ट करके रिफाइनमेंट और चेक करना चाह रहा था कि किस हिसाब की रिफाइनमेंट है टर्बो वाले इंजन की, क्योंकि आज तक मारुति का टर्बो इंजन भाई मैंने देखा नहीं है। तो अब पीछे चल के वायरलेस चार्जिंग और दिखाऊं भाई आपको। ये देखो भाई होने लग गया ना चार्जिंग, तो इसको इतना चार्ज होने देते हैं भाई। अब चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे स्पेस चेक कर लेते हैं। मैं अपनी हिसाब से जो है हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ, सीट एडजस्ट कर लिए, हाइट भी ठीक है, बाकी पूरा बोनेट विजिबल है, हाइट एडजस्टेबल है। अब चलते हैं पीछे भाई। आ गए हैं भाई गाड़ी में पीछे की तरफ। सबसे पहले लेग रूम की अगर मैं बात करता हूँ ना भाई, तो लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, आराम से मैं और भी अगर इसको कंफर्टेबली एडजस्ट करूंगा ना भाई आगे वाली सीट को, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 फीट के हिसाब से मैं चीज़ बता रहा हूँ। हेडरूम में वही है, यहाँ पर थोड़ी सी 6 फीट का जो बंदा है उसको आएगी भाई प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन हेडरेस्ट तीनों एडजस्टेबल हैं और ये इतने बड़े बड़े दे रखे हैं भाई, ये देखना ठीक है भाई। तो ये पता नहीं भाई इनका क्या कारण है, नीचे की तरफ भाई एसी वेंट्स मिल जाते हैं इनकी थोड़ी सी, ठीक है, मतलब नीचे और आते हैं। तो यूएसबी टाइप में, अभी लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, यूएसबी टाइप के साथ साथ जो है टाइप सी भी प्रोवाइड कराया भाई, ये देख लो, जो कि आगे की तरफ नहीं करा और पीछे की तरफ कर दिया, ठीक है भाई। हैंडरेस्ट की बात करते हैं तो हैंडरेस्ट भाई इसमें नहीं दिया गया है, पीछे की तरफ भी लेदर का इस्तेमाल कर रखा है। कुल मिला के भाई फिट एंड फिनिश की बात करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की आवाज़ तो अभी आ नहीं रही है, काफ़ी अच्छे से मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ और बूट स्पेस दिखाता हूँ मैं क्या कुछ पीछे की तरफ दिया है, और फिर एक बार इंजन चेक कर लेंगे भाई। तो भाई ये इसका बूट स्पेस, 308 लीटर का इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। पार्सल ट्रे ऊपर की तरफ मिल गई, यहाँ पे भाई लाइट मिल जाती है, हुक मिल जाते हैं, यहाँ पे अपना अपना जैक हो गया, और नीचे की तरफ देखते हैं स्टेपनी, तो स्टेपनी नॉर्मल आपको स्टील रिम मिलता है, जो साइज़ है वो सेम रखा गया है, ठीक है भाई। बूट स्पेस ओके है, 60-40 में स्प्लिट हो जाती है सीट्स, ये देख लो भाई यहाँ से। बाकी एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, जो डिफोगर है ना इसकी यहाँ क्वालिटी देखो आप, ये ऐसे ही अटैच कर दिए, इनकी थोड़ी सी भाई हाइट हो सकती थी ये चीज़ें, तो इन पर काम करना था और थोड़ा सा। बाकी अब चलते हैं आगे की तरफ, इंजन कंपार्टमेंट देख रहे हैं एक बार। तो वही है इसका 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, बूस्टर जेट सुजुकी की यहाँ पे बैचिंग है, जो कि एक 98 BHP और 147 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कर देता है भाई। बाकी फिटिंग फिनिशिंग थोड़ी सी यहाँ पे भी वैसी उसी टाइप की है, कपलर वपलर देख लो भाई नीचे की तरफ वो विजिबल है सारी चीज़ें, देखो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती थी, क्योंकि भाई 13.5 लाख रुपये की आपको ये ऑन रोड पड़ रही है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, एक दिन भाई चला के और देखेंगे अगर मौका मिला तो, कि किस हिसाब की पावर जनरेट ये करता है बूस्टर जेट इंजन, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें थी, तो यही थी आज की अपनी वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।